Hello everyone, my name is Gijanan. Welcome to our channel Success Ajudic. Today we are starting or continue our series of geometry. In geometry we are starting a new chapter of that is, that is triangles, chapter number 3. So in this chapter we are learning following topics that is theorem on remote interior angle theorem, then median, median of a triangles, concurrence of a properties of median on hypotenuse of a right angle triangle, थेरम ऑफ आईसोसोल्स ट्रैएंगल पर्पेंडिकुलर बायसेक्टर थेरम प्रॉपर्टीज ऑफ थर्टी सिक्सटी नाइंटी एंगल ट्राइंगल्स ऑल दिस पॉइंट्स वी आर सीईंग वन बाय वन बिफोर मूविंग अ एड वॉच माई प्रिवियस वीडियो एंड डोंट फॉर गेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल सो नाउ ले स्टार्ट अवर टुडेज सेशन बेस्ड ऑन ट्रैंगल्स दैट इज चैप्टर नंबर थ्री सो वी आर स्टार्टिंग दिस चैप्टर विदर्स्ट थेरम दैट इज थेरम ऑफ अ रिमोट इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रैंगल्स नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल this is one activity is given so this activity you can done by yourself at your home this is a simple one in this activity you have to cut a one paper of a, of a rectangular shape then cut some angular parts and shade their parts and mention on a angles or a corners of their vertices that is pqr this is a simple one you can obviously do you can do that at your home सोनाओ ले स्टार्ट अवर टूडे ले स्टार्ट द थेरम फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द स्टेटमेंट केयरफुली इन द स्टेटमेंट रीड द मेजर्स ऑफ अ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रैंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अ रिमोट इंटीरियर एंगल्स मीन्स इसका कहना है द मेजर्स ऑफ अ ये जो आपका एक्सटीरियर आर दिख रहा है इसका एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अ रिमोट इंटीरियर एंगल्स मीन्स पी ए पी क्यू आर एंड क्यू पी आर इन दोनों के बराबर होती है इसके और इसके बराबर इसकी सम होती है जो आपका एक्टिक्रा है ना सो ये आपका P प्लस क्यू के बराबर किसकी सम होती है ये R एक्सटीरियर वाला आर हाँ सो इसके बराबर सम होती है सो आपको ये प्रूव करवाना है दैट इज़ अ प्रूव सो हम देखेंगे पहले क्या करेंगे गिवन क्या दिया है एक बार पढ़ लेते हैं एंगल पी आर एस इज एक्सटेरियर एंगल्स पी आर एस आपको दिएगा ये पी आर एस आपका एक्सटीरियर एंगल है ऑफ अ ट्रा एंगल ट्रा एंगल का एक्सटीरियर एंगल है सो टू प्रूव क्या करना है पी आर एस इक्वल टू पी क्यू आर प्लस क्यू पी आर मीन्स आपको इसका और इसका दोनों का सम मिला के पी आर एस बताना है सो सम अब ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रा एंगल्स इज यू नो दैट दैट इज जो सम है जो तीनों एंगल्स की सम है जैसे कि मान के चलो ये तीनों एंगल्स जो है एक्स वन टू और ए थ्री तीनों इंटीरियर एंगल्स की सम कितनी होती है ट्रैंगल की दैट इज़ वन एटी सो आई कैन राइट एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी आर क्यू इक्वल टू वन एटी डिग्री सो आई हैव नोटेड ना वन स्टेटमेंट नंबर वन सो एंगल पी आर क्यू ये मेरा पी आर क्यू एंड एंगल पी आर एस एंगल पी आर एस क्या है मेरे लीनियर एंगल पेयर है लीनर एंगल की पेयर है सो मैं लिख सकता हूँ एंगल एंगल पी आर एस प्लस एंगल पी आर पी आर क्यू इक्वल टू तो वन एटी डिग्री और तो तो मेरा स्टेटमेंट नंबर टू हो चुका है फ्रॉम वन एंड टू एल एच एस इक्वल टू तो आर एच एस दोनों को साइड कैसी है सेम है लेफ्ट हैंड साइड तो हम उसको एल दोनों साइड इक्वेट कर सकती है सो हम लिखेंगे एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी आर क्यू इक्वल टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर एस सो पी आर क्यू पी आर क्यू इज सेम सो आई एम कैंसलिंग दैट देन वी गेट एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू क्यू पी आर इक्वल टू पी आर एस सो दिस इज आवर स्टेटमेंट आपको यही प्रूव करवाना था जैसे आपको प्रूव करवाना है सो एलिमिनेटिंग पी आर क्यू बोथ साइड बिकॉज ये दोनों साइड में इसीलिए एलिमिनेट हो जाएगा और वन एटी दोनों साइड है सो दैट विल बी निग्लेक्ट व कैंसल

सो so, मेरे इसके पी क्यू एस के बराबर क्या रहेगा एंगल पी प्लस एंगल आर आई होप आपको समझ में आ चुका है किस तरह से दिस द इजिएस्ट वन एंड सिंपल वन थेरम विद द स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर वी विल सी द नेक्स्ट पोर्शन और नेक्स्ट टॉपिक ऑफ़ दिस चैप्टर दैट इज प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट सो ये सिंपल वन है आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं जाएगी सिर्फ आपको क्या करना है फोकस करना है जैसे कि देखिए अभी ये क्या कह रहे हैं प्रॉपर्टीज अब एक्सटीरियर एंगल्स अबाउट एंगल्स द सम अब टू पॉजिटिव एंगल्स ए एंड बी दैट इज ए प्लस बी इज ग्रेटर देन द ए एंड अ ग्रेटर देन अ बी अल्सो मीन्स कहना है अगर दोनों एंगल्स लेंगे ए प्लस बी करेंगे काउंट ए प्लस मेरा बी इन दोनों की अगर सम करेंगे तो ऑब्वियसली ए से बड़ा आएगा और बी से भी बड़ा आएगा सो so, दोनों एक हैं या तो ये छोटा रहेगा भी दोनों दोनों के एडिशन करोगे तो दोनों से बड़े रहेंगे दैट इज द प्रॉपर्टीज़ मीनिंग नाउ लेट्स सी द सॉल एग्जांपल ऑन दैट द मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो फाइव इज टू सिक्स एक्स टू सेवन सो आपको क्या किया है फाइंड द मेजर्स आपको तीनों एंगल्स की वैल्यूज निकालना है ट्रैंगल के कोई भी एक मान के चलो ये ट्राएंगल है इसके रेशियोज दिए हुए एक्स वाई और ए जेड तो ये दिए वाई समझो फाइव सिक्स सेवन सो so, इसमें क्या लगाएंगे हम एक्स लगाएंगे एक्स लगाएंगे एक्स लगाएंगे सो so, हमें तीनों एंगल्स की सम कितनी है पता है वन एटी डिग्री रहता है सो so, हम क्या लिखेंगे फाइव एक्स प्लस सिक्स एक्स प्लस सेवन एक्स इक्वल टू वन एटी डिग्री बिकॉज एडिशन ऑफ ऑल एंगल्स अ ट्रैंगल इज़ वन एटी डिग्री सो हमें मिलेंगे एटीन डिग्री सो एटीन एक्स इक्वल टू वन एटी डिग्री सो एक्स इज इक्वल टू टेन डिग्री so after putting the values of x in the expression that is we get first angle is 50 degree second is 60 degree and third one is 70 degree so in tino ke addition karoge aap to kitna milega aapko 180 degree milne wala hai now let's see the problem number 2 दिस इज द फिलर प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पे fill द ब्लैंक्स भरने हैं सिर्फ ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है सो ऑब्जर्व द फिगर थ्री पॉइंट फोर एंड फाइंड द मेजर्स ऑफ अ पी आर एस एंड आर टी एस सो पी आर एस और आर टी एस ए आर टी एस इन दोनों के मेजर्स निकालने हैं सो so, हमें दिए हुआ है पी आर एस इज़ एक्सटीरियर एंगल ऑफ़ ट्रैंगल पी क्यू आर पी आर एस एक्सटीरियर एंगल है सो मैंने कहा था आपको एक्सटीरियर एंगल की सम क्या रहेगी इक्वल टू क्या रहेगा दोनों रिमोट इंटीरियर एंगल की सम सो so, एंगल पी प्लस एंगल क्यू इज़ इक्वल टू हमें क्या मिलेगा एंगल पी आर एस सो एंगल पी आर एस मिल चुका है तो मिलेगा आपको सेवेंटी डिग्री सो तो दोनों की अगर एडिशन करूँगे फोर्टी प्लस थर्टी गेट सेवेंटी डिग्री तो हमें एंगल पी आर एस मिल चुका है ये पी आर एस हमारा पहला फाइंड आउट हो चुका है अभी आर टी एस फाइंड आउट करना है तो ये आर टी एस तो अभी आर टी एस फाइंड आउट करना तो क्या करेंगे इन एंगल आर टी एस टी आर एस टी आर एस प्लस एंगल आर टी एस प्लस एंगल टी एस आर इक्वल टू वन एटी डिग्री बिकॉज वी नो दिज टू एंगल्स दैट इज ट्वेंटी डिग्री एंड सेवेंटी डिग्री सो हमें दो एंगल्स पता है तो हमें आर टी एस निकालना है दैट इज़ ए मेरा आर टी एस निकालना है तो एडिशन ऑफ अ ऑल एंगल्स ऑफ एंगल इज़ वन एटी डिग्री सो यहाँ पर पहले बॉक्स में क्या रहेगा आपका वन एटी डिग्री देन यहाँ पर क्या रहेगा ट्वेंटी डिग्री प्लस यहाँ पे क्या रहेगा सेवेंटी डिग्री दोनों के एडिशन्स करोगे तो वन एटी डिग्री सो आर टी एस हमें कितना मिलेगा दैट इज़ नाइन्टी डिग्री आई होप आपको फिलर्स जस्ट आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं पहले बॉक्स में आएगा आपका वन एटी डिग्री दूसरे बॉक्स में आएगा ट्वेंटी प्लस यहाँ पे सेवेंटी आफ्टर एडिशन वी गेट नाइन्टी सो नाइन्टी सब ट्रैक होंगे वन एटी माइनस देन वी गेट आर टी एस इक्वल टू नाइन्टी डिग्री इफ यू आर स्टिल एनी डाउट प्लीज मैंशन इन द कमेंट सेक्शन योर डाउट विल बी सॉल्व नाउ लेट सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम दैट इज़ प्रूफ दैट यू हर इन दैट प्रूव यू हर टू प्रू दैट सम ऑफ अ एक्सटीरियर एक्सटेंडिंग साइड्स इन सेम इज थ्री थ्री सिक्सटी डिग्री मीन्स आपको अभी प्रू क्या करवाना है ये मेरा एक्स वन ये मेरा वाई और ये मेरा जेड ये तीनों की एडिशन कितनी चाहिए वो थ्री सिक्सटी डिग्री प्रूव करवाना है सो so उसके लिए हमें पता है हमने लाइन को एक्सटेंड किया है ट्राइंगल्स के तो हमारे एक्सटीरियर एंगल्स हो चुके बाय यूजिंग रिमोट एक्सटीरियर एंगल बाय रिमोट इंटीरियर एंगल्स थे हम हम लिख सकते हैं एंगल पी ए बी इक्वल टू एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी सिमिलरली पी ए बी के बराबर क्या लिख सकते हैं ए सी बी प्लस ए बी ए सी बी प्लस लिख सकते हैं ए बी सी हम ये लिख सकते हैं वन सो हमारा स्टेटमेंट नंबर वन हो जाएगा स्टेटमेंट नंबर वन सिमिलरली फॉर अगर ए सी आर मेरा ए वाला एक्सटीरियर एंगल है दिस वन ए सी आर मेरा अगर एक्सटीरियर एंगल काउंट करूंगा मैं तो मुझे किसके एडिशन करनी पड़ेंगे ए बी सी प्लस ए सी बी सॉरी ए बी सी प्लस बी ए सी इन दोनों की एडिशन रहेगी सो दिस इज माई सेकंड बाय रिमोट इंटीरियर एंगल दे सिमिलरली फॉर दिस एंग दिस एंगल ऑल्सो फॉर सी बी क्यू साम इसी बी सेम अप्लाई करेंगे आफ्टर एडिंग ऑल थ्री इक्वेश ऑफ ए बी सी प्लस टॉइस ऑफ ए सी बी प्लस टॉइस ऑफ बी ए सी इक्वल टू मिलेगा हमें तो एक्सटीरियर एंगल्स ये टॉइस मिल चुका है और इसकी इंटीरियर एंगल्स क्या होती है वन एटी डिग्री सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स सो हमें मिलेगा थ्री सिक्सटी डिग्री टू इंटू वन एटी डिग्री दैट विल ग थ्री सिक्सटी डिग्री नाउ आई एम रिपीटिंग वंस अगेन हमने क्या किया है यहाँ पर हमने यहाँ पे लगाया रिमोट इंटीरियर एंगल थेरम रिमोट इंटीरियर एंगल थेरम लगाया है हमने सभी एंगल्स के रिमोट इंटीरियर एंगल्स लिखे बाद में हमें ऐसा कॉम्बिनेशन मिला जहाँ पे वो सेम एंगल दो बार रिपीट हो रहा है तो हमने टू कॉमन निकाले देन वी नो दैट एंगल ऑफ अ इंटीरियर एंगल्स सम ऑफ अ इंटीरियर एंगल्स क्या होता है वन एटी डिग्री टू इंटू वन एटी डिग्री वी गेट थ्री सिक्सटी डिग्री सो आपको प्रूव यही करवाना था कि जो भी एक्सटीरियर एंगल्स रहेंगे उसकी सम कितनी रहिए थ्री सिक्सटी डिग्री आई होप आपको समझ में आ चुका है दिस एंड नेक्स्ट मेथड और मेथड नंबर टू वी कैन सॉल्व बाय दिस मेथड ऑल्सो सो यू कैन ट्राई योर सेल्फ इफ़ यू हेर स्टिल एनी डाउट प्लीज़ मैंशन इन अ कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉर गेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ट चैनल नाउ लेट्स प्रॉब्लम दैट इज प्रॉब्लम नंबर फोर इन दैट प्रॉब्लम एंगल बी एंड एंगल सी आर इंटरसेक्ट एड पॉइंट पी सो एंगल बी और एंगल सी आर इंटरसेक्ट एड पॉइंट पी बाई सेक्टर्स ऑफ एंगल बी सो हमें जो बाई सेक्टर्स निकाले उसके एंगल्स के वो पी पे मीट होते हैं ऐसा या देन प्रू दैट एंगल बी पी सी बी पी सी जो आपका ये पी है दैट इज बी पी सी इज इक्वल टू नाइन्टी प्लस वन हाफ़ बी ए सी वन हाफ़ बी ए सी बड़े एंगल के आधा चाहिए प्लस नाइन्टी मीन्स ये होगा तो आपको इसमें भी फिलर से ही भरना है सो वी नो दैट सम इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रैंगल्स इज़ वन एटी डिग्री सो मैं यहाँ पे वन एटी डिग्री लिखूँगा पहले फिलिंग द ब्लैक्स में देन वन हाफ बी ए सी प्लस वन हाफ ए बी सी प्लस वन हाफ़ ए सी बी इक्वल टू वन हाफ वन एटी सो इसे अगर सॉल्व करूँगा आगे तो मुझे कितना मिलेगा दोनों साइड से सा अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो मैं मुझे मिलेगा वन एटी वन एटी फाइव होगा नाइन्टी तो एंगल पी बी सी प्लस एंगल पी सी बी प्लस एंगल वन हाफ बी ए सी इक्वल टू नाइन्टी डिग्री सो हमें क्या चाहिए एंगल पी बी सी प्लस एंगल पी सी बी इक्वल टू नाइन्टी माइनस वन एटी डिग्री सॉरी नाइन्टी माइनस वन हाफ एंगल बी ए सी सो दिस इज़ माई इक्वेशन नंबर वन सो इंटर एंगल बी पी सी बी पी सी एंगल बी पी सी प्लस एंगल बी पी पी सी बी प्लस एंगल बी पी सी और प्लस एंगल बी ए सी सॉरी मैंने कुछ गलत कह दिया है. सो इन एंगल पी बी सी एंगल सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स अभी हम क्या करेंगे इंटीरियर ये छोटा एंगल जो है ना जो हमारा छोटा एंगल है ये नीचे का तो उसमें एडिशंस लगाएंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स सो उसको लगाने के बाद क्या मिलेगा हमें एंगल बी प्लस एंगल पी प्लस एंगल सी इक्वल टू वन एटी डिग्री मिलेगा मैं सिर्फ सिंगल हंड्रेड नाम ले रहा हूँ तो एंगल पी प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू हमें क्या मिलेगा वन एटी डिग्री फ्रॉम वन सो हम क्या करेंगे हमें यहाँ एंगल बी प्लस एंगल सी का वैल्यू पता है क्या है दिस वन आज माई एंगल वैल्यू सो मैं पुट कर दूंगा, सो आफ्टर पुटिंग वी गेट एंगल बी पी सी जो हमारा ऊपर का एंगल है उसकी इक्वल टू उसके बराबर वन एटी माइनस नाइन्टी माइनस वन बाई टू सो आफ्टर पुटिंग ऑल द वैल्यूज मेरा यहाँ पर क्या आएगा इस बॉक्स में ये वाला टर्म आएगा ए बॉक्स में दिस वन दिस टर्म कॉम हेयर एंड आफ्टर ए साइड में साइड चेंज करने के बाद में सब्ट्रैक्शन हो जाएगा तो मुझे ए मिलने वाला है आफ्टर सॉल्विंग वी गेट नाइन्टी प्लस वन हाफ एंगल बी ए सो आई होप आपको समझ में आ चुका है इफ़ यू है स्टिल एनी डाउट प्लीज़ मेंशन इन अ कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ट चैनल थैंक यू फॉर वॉचिंग सक्सेस एज यू टेक